आजकल मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि धनी एप्लीकेशन कैसा है, इसका एक रियल रिव्यू करिए। सो गाइस, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में मैं धनी एप्लीकेशन का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धनी है क्या। धनी इंडियाबुल्स कंपनी के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन है जो 3 मिनट में 1,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का लोन देने का दावा करती है। इंडियाबुल्स कंपनी सन 2000 में बनी थी। इस कंपनी को बने हुए 18 साल हो चुके हैं। लोन देना इंडियाबुल्स कंपनी का कोई नया काम नहीं है, बल्कि ये अपनी वेबसाइट indiabulls.com पर काफी पहले से लोन प्रोवाइड करती आ रही है। इस कंपनी का मेन काम रियल इस्टेट है। फिर कुछ महीने पहले इस कंपनी ने धनी नाम का एक एप्लीकेशन बना करके उसको लॉन्च किया और इसकी खूब एडवर्टाइजिंग कराई कि हम सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर 3 मिनट में 1,000 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब लोगों ने इसके बारे में सुना कि सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर कोई एप्लीकेशन 15 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, तो उन्होंने समझा कि ये कोई फ्रॉड कंपनी है, क्योंकि इससे पहले तक मार्केट में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर कोई कंपनी 15 लाख रुपए तक का लोन दे दे। कंपनी ने इसकी एडवर्टाइजिंग काफी फेमस चेहरों से कराई, जैसे कि अभी जो इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो महेंद्र सिंह धोनी है। इसके अलावा भी कंपनी ने इसकी काफी एडवर्टाइजिंग कराई, आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और वेबसाइट्स पर और टीवी पर आप इसके काफी सारे एड्स देखते रहते होंगे। चलिए हम बात करते हैं कि क्या ये एप्लीकेशन सच में लोन देती है। इसमें पहली बात आती है कि क्या ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो इसका जवाब है कि ये कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ये इंडियाबुल्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इंडियाबुल्स कंपनी इस फील्ड में लगभग 18 साल से है। तो ये एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, फ्रॉड नहीं है, ये तो कंफर्म है। दूसरी चीज है कि क्या ये सच में लोन देती है। तो इसका जवाब है हाँ, ये सच में लोन देती है, लेकिन इसकी दो कंडीशंस है जिनके बारे में अक्सर बताया नहीं जाता है। पहली कंडीशन तो इसकी ये है कि ये लोन सिर्फ उन्हीं लोगों को देती है जिनका सिबिल स्कोर 750 या 800 से ऊपर होता है, बल्कि मोस्टली केसेस में ये सिर्फ उन्हीं को लोन देती है जिनका सिबिल स्कोर 800 से ऊपर होता है। तो कुल मिलाकर के सामने ये आया कि जितनी इसकी एडवर्टाइजिंग हो रही है कि सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर 3 मिनट में 1,000 रुपए से 15 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, ये बिल्कुल फेक है। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर लोन नहीं दे रही है, मेन है उसमें आपका सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से ऊपर है तभी ये आपको लोन देगी। और आप लोग जानते हैं कि 800 से ऊपर सिबिल स्कोर काफी कम लोगों का होता है, तो लोन देने के लिए ये कुछ ही लोगों को फोकस कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कुछ ही लोगों को लोन दे रही है, अक्सर लोगों को ये लोन नहीं दे रही है। गूगल प्ले स्टोर में इस एप्लीकेशन को 3.6 की रेटिंग दी गई है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि जब लोगों को लोन नहीं मिल रहा है तो वो इसको निगेटिव रेटिंग दे रहे हैं। धनी ऐप के जरिए लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इसका यूजर इंटरफेस होता है। इसमें ये कुछ परमिशंस आपसे मांगता है, आपको इनको अलाउ करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपको ध्यान रखना है, आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक से लिंक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना है। अगर वो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल फोन में ही डाला हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर वो सिम किसी दूसरे मोबाइल में है तो आपको यहाँ मैनुअली ये कोड डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ वेरीफाई पर एक बार क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही देखिए आपके सामने यहाँ कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। देखिए, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन। तो आपको क्या करना है, जौन सा भी लोन आपको लेना है उस पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें पर्सनल लोन लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई नाउ पर एक बार क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर चूज करना होता है कितने अमाउंट का लोन आप लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको अपना स्टेटस यहाँ पर डालना होता है कि आप सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप यहाँ से चूज कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स देनी होती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट और सिटी। अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि इन्होंने लोन देने के लिए सॉरी बोल दिया है। सो गाइस, अगर आपको लोन चाहिए तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट करिए, क्योंकि लोन लेने के लिए सबसे ट्रस्टेड जगह बैंक ही है। आप बैंक से लोन लीजिए। लोन लेने में कभी भी आपको शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धनी एप्लीकेशन में जो लोन दिया जा रहा है उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी हाई है। इसमें जिन लोगों को लोन दिया गया है उन लोगों को 26% से लेकर 36% तक इंटरेस्ट रेट चार्ज किया गया है। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धनी एप्लीकेशन एक तरह का टाइम वेस्ट है। आप इसमें टाइम वेस्ट मत करिए, बल्कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप अपने बैंक से ही कॉन्टेक्ट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपको धनी एप्लीकेशन से कभी लोन मिला है
तो आपका इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।